मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने पर मंडी शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे 9 मई को नामांकन पत्र भरेंगे। आइए देखते हैं विक्रमादित्य सिंह से हमारे मंडी संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज की ये खास बातचीत। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी जो अपना चुनाव प्रचार है वो भी जो है वो शुरू कर दिया है। क्या कहें, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि जब आपको टिकट मिला उसके बाद फिर प्रचार के लिए काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आप आए। नहीं, देर कोई नहीं हुई। मैं तो हमेशा यहाँ के लोगों के साथ, हमेशा उनके सुख में, उनके दुख में, हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा, मैं तो मंडी का MP हूँ, मुश्किल समय का पारिवारिक सदस्य। एक नई परिभाषा दे दी तो आपने। मैं पूरी मजबूती से, जब पूरा ये पूरा आपका आपदा आई और ये सब चीज़ें हुई, तो मैं यहाँ पे था, 24 घंटे लोगों के साथ खड़ा था। चाहे वो आपका पंचवक्तर मंदिर है, चाहे वो आपका बंजार है, कुल्लू है, आनी है, पंडो है, सरका घाट है, तो मैं लोगों के साथ रहा हूँ। तो देखने में ये आ रहा है कि आपकी जुबान पे प्रत्याशी का कटाक्ष कम है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का ज़्यादा है, ऐसा क्यों? मुकाबला तो जो है वो जयराम जी से ही है, क्योंकि जयराम जी मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ की आवाज़ भी रहे हैं और जिला के सबसे कद्दावर नेता हैं, तो निश्चित तौर से हम उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि गंभीर व्यक्ति तो वही है। तो जो विकास के बारे में जो कमियाँ रही है उस पर हम उनको घेरेंगे भी। मैंने उनका मान सम्मान भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, समर्थन भी उनका मैंने उनकी सरकार के समय में किया है। मगर जो अब विषय के ऊपर बातें होगी वो कैंडिडेट से तो बात करके कोई फायदा नहीं है। क्या इस बार भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी के नाम पर, श्रद्धांजलि के नाम पर कोई वोट मांगेंगे? ऐसा है, ये श्रद्धांजलि की बात नहीं है, ये बात है विकास कार्यों की। ठीक है, मैं वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट मांगूंगा, क्यों नहीं मांगूंगा? उन्होंने काम किया है, उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए भी काम किया है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए काम किया है। आज यहाँ पे सेंट्रल जोन के जितने भी ऑफिसेज खुले हैं, चाहे वो IPH का खुला है, चाहे वो PWD का खुला है, चाहे वो यहाँ पे सेंट्रल पुलिस का कमांड खुली है, पंडो की कमांड खुली है, तो ये सब चीज़ें कांग्रेस की सरकार की वजह से हुई है। नहीं, नॉमिनेशन तो हम अपना 9 तारीख को करेंगे, 9 मई को, और उस दिन मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, सभी प्रदेश का जो पार्टी का नेतृत्व है वो यहाँ पे उपस्थित रहेगा, केंद्र से भी कई हमारे नेता आएंगे। DD News के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।